अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई बहुत ही डिलीशियस सी पिज़्ज़ा की रेसिपी, और ये पिज़्ज़ा है बिना ओवन के और बिना यीस्ट के। ये देखिए, ये ब्रेड कोई बोल ही नहीं सकता बिना यीस्ट के तैयारी हुई है। तो चलो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं हम इसकी। एक कप मैदा ले लेंगे, और हाफ टी स्पून जो है तो हम बेकिंग सोडा, एक टी स्पून बेकिंग पाउडर, एक टी स्पून शुगर ले लेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार। अब ना इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों से, चम्मच से, जिससे आपको मिक्स करना है उससे कर लीजिए। अब ये मैंने दही लिया है, पूरा दही मैंने नहीं डाला था, हम थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे। मतलब जितनी हमें ज़रूरत रहेगी हम उतना ही दही डालेंगे, और हमें पूरा डो जो है ना दही से ही लगाना है, एकदम चिकना सा डो लगाना है हमें दही से, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। देखिए, आप ना मेरी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, बीच से मेरी वीडियो छोड़ देते हैं और देखते नहीं हैं, तो फिर आपकी रेसिपी वैसी बनती नहीं। फिर आप लोग बोलेंगे कि देखो हमारा पिज़्ज़ा तो वैसा नहीं बना। आप पूरी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा, आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बन के तैयार होगा। मैंने क्या किया था ना, पिज़्ज़ा को आटा गूंदने के बाद में मैंने पूरा दही से आटा गूंदा था, और उसे ना एक घंटे के लिए मैंने गर्म जगह पर रख दिया था। एक घंटे तक हमें इसे छेड़ना नहीं है। अब हम ले लेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि चिकन। चिकन के मैंने 5 से 6 पीसेस लिए थे, बंदे बंदे, कुछ इस तरीके के। हड्डियाँ हटा दी थी, ये देखिए कुछ इस तरीके के पीसेस मैंने लिए थे। आपके घर में भी आ जाता होगा चिकन, तो निकाल लेना यार, सब्ज़ी में से 4-5 पीस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है ना, हमें चिकन साबित तो नहीं डाल सकते, हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे उसके। एकदम देखिए इस तरीके से मैंने पूरे चिकन के पीसेस करके ले लिए हैं, ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। नहीं, अब ना हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैंने इसमें डाला आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, और ये एवेस का मसाला है, ये डाला मैंने आधा चम्मच, और मैंने फिर इसमें डाला आधा चम्मच जो है तो बिरयानी मसाला था ये, और ये आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ना ये नमक स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार ना आपको जितना को उतना नमक डालिए, और ये कांदा लहसुन की जो ना आटा का मसाला ये वो है। अब ना इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच के करीब तकरीबन दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एकदम अच्छे से, और फिर थोड़ा सा ऑयल हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे ना हाथों से कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे। मतलब पूरा ना चिकन को अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए, और इसे भी हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मैरिनेट हो जाए। जितना ये मैरिनेट होगा ना उतना अच्छा रहेंगे। और ये मैंने टमाटर और प्याज ले ली थी, इससे ज़्यादा वेजेस नहीं थी मेरे पास। अब ना हमारे चिकन को 1 घंटा हो चुका है, तो हम इसे तल लेंगे। हम सिंपल ही तलना है, हमें थोड़े ही तेल में तलना है। हम थोड़ा सा तेल लेंगे नॉन स्टिक तवे पे, और उसके ऊपर ना इसे डाल देंगे, और कंटिन्यूसली इसे हलाएंगे थोड़े थोड़ी देर पे। मतलब एकदम ड्राई रोस्ट हो जाएगा ये, एकदम से पक जाएगा। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। 10 मिनट में चिकन के पीसेस अच्छे से पक के तैयार हो जाते हैं। आप थोड़ा सा तोड़ कर देख लीजिएगा कि चिकन गला है कि नहीं गला है। अगर चिकन गल गया होगा तो वो टूट जाएगा, और आपने क्या करना है, फिर इसे एक साइड में रख देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा देसी ओवन तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम नमक डाल लेंगे, और कोई भी स्टैंड, अगर स्टैंड ना हो आपके पास, आप क्या करिए, एक कटोरी वगैरह रख लीजिए, और इसे ढक कर रख देंगे। ये देखिए हमारा आटा 1 घंटे में कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया। मतलब उसके अंदर ना एयर वगैरह भर गई है, ये इसमें थोड़ा सा खमीर उड़ गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है ना, हमें बेलन से इसको नहीं बेलना है, हमें इसे ना हाथ से ही बड़ा करते हुए बेलना है। बेलन बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसे, हमें सिर्फ हाथ से इसे बड़ा करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा। एक फोक ले लीजिए, और फोक से ना इसके अंदर ऐसे छेद छेद कर दीजिए। प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं अभी भी कह रही हूँ आपको, आप लोग देखते नहीं हो, पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना, बिल्कुल आपका पिज़्ज़ा मेरे पिज़्ज़ा के जैसा बनेगा। आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, उसे पहले ग्रीस कर लीजिए, और उसके ऊपर हमने जो पिज़्ज़ा बेस बनाया था ना वो रख दीजिए। अच्छा, अगर आपको ना पिज़्ज़ा बेस थोड़ा अलग, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा कच्चा रह जाएगा, तो आप पहले सॉस लगा के पिज़्ज़ा बेस को 5 मिनट बेक भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से, मतलब उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, ऑसम फ्लेवर आता है एकदम। अब ना मैंने पिज़्ज़ा सॉस और टमाटो केचप ले लिया था, उसे एकदम अच्छे से लगा दिया था। अब ये मैंने चीज़ ले लिए, और मेरे पास ना वो मोज़रेला चीज़ नहीं थी, मतलब जिसका नहीं कि चीज़ पुल आता एकदम पिज़्ज़ा उठाए तो वैसे, तो लास्ट में चीज़ पुल नहीं आएगा, तो आप ये मत कहिएगा कि चीज़ पुल नहीं आया। अब इसके अंदर अच्छे से जितनी आपको चाहिए उतनी चीज़ आप डाल दो, और टमाटर और प्याज एडजस्ट कर दो उसके ऊपर, एकदम अच्छे से लगा दो। और ना हमारा जो चिकन है, अगर आप चाहो तो वैसे पीसेस भी रख सकते हो, नहीं तो मैंने ऐसी
क्रश करके डाला था, थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़े क्रश करके डाले थे और साबित रखे थे, और ऊपर से भी ना मैंने चीज़ डाल दी थी। ज़्यादा चीज़ खाना मैं पसंद नहीं करती हूँ। और फिर उसके ऊपर से ना पिज़्ज़ा सीजनिंग, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो ना तो आप क्या करो, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल दो। नॉर्मली जब हम बाहर से पिज़्ज़ा मंगाते हैं तो उसके साथ भी ना जो आते नहीं है क्या पैकेट ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के, आप वो डाल दीजिए, वैसे ही फ्लेवर आएगा। ये 5-10 मिनट हमने पहले प्रीहीट कर लिया था कढ़ाई को, अब इसके अंदर एकदम केयरफुली हमें रखना, नहीं तो क्या है ना आपके हाथ को चटका भी लग सकता है, फिर आप बोलोगे ऐसा कैसे बना। और ये ना सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में इस तरीके से बन के तैयार हो गया था। लो फ्लेम पे एकदम रखना है आपने। मेरी कढ़ाई ज़रा ज़्यादा मोटी थी इसलिए मुझे 20 मिनट लगे। अगर आपका बर्तन मोटा ना हो तो आप 10 मिनट के बाद चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये बन गया, मुझे मेरा दिल बड़ा, मैं अभी खा लूँ इसे। वैसे बहुत लजीज बना था, बहुत अच्छा बना था, बाजार से अच्छा बना था। और ये देखिए पिज़्ज़ा ब्रेड भी एकदम से अच्छे से पक के तैयार थी और वैसे भी बहुत ज़्यादा लजीज था। मैं इसे कट कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपने कहा इसमें चीज़ पुल नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं कहना कि इसके अंदर चीज़ पुल नहीं आया, आपने काटा तो, पर ये कितने अच्छे से बन के तैयार है। ये देखिए इतना अच्छा लगा था खाने में। अगर आपने मेरी वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस पिज़्ज़ा के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए चीज़ मैं उठा के बता रही हूँ आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब अरे फ्राई चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाय बाय।